शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अब ना हद पार हो रही है। हद तो पार हो चुकी दीदी, इसलिए तो आज ये तमाशा हो रहा है। पापा आप सबसे ज्यादा शिकायत आपने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज अगर हम इस नर्क में है ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है दीदी। दीदू दीदू कहते हम आपके पीछे दौड़ते रहे, आज तक आपने हमें जोर से डांटा नहीं, आज सबके सामने हमें थप्पड़ मार दिया। दीदू आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें सबके सामने बेइज्जत करने की? बस बहुत हो गया, बंद करो अब ये सब तमाशा। कीर्ति हमारी इज्जत तो आप पहले से ही कभी नहीं करते थे, लेकिन आज तो आपने हद ही पार कर दी। अपने पापा तक का मान नहीं रखा आपने। मम्मी जी लगता है आपकी पूरी भड़ास बाहर निकली नहीं, इसीलिए आई है ना आप हमें सुनाने। बस बहुत उठा लिया आपने हमारी अच्छाई का फायदा, लेकिन आपका ये तेवर ना अब इस घर में ज्यादा दिन कोई नहीं सहेगा। कीर्ति हमने आप जितना मतलबी इंसान आज तक नहीं देखा, और किसी का नहीं लेकिन वरुण का तो ख्याल करती है। क्या ख्याल करते हो मम्मी जी, और क्यों ख्याल करते? उन्होंने किया हमारा ख्याल। जब से आप गई है ना, तब से आपकी चिंता में ना वो रात को सोए हैं, ना ही कुछ खाया पिया है, और आप कह रही है उन्होंने आपका ख्याल नहीं किया। आपको तो बस उनकी चिंता हो रही है, यहाँ किसी को हमारी चिंता नहीं है कि हमने कुछ खाया है या नहीं। और वैसे भी हमने नहीं बोला था वरुण जी को कि आप कुछ मत खाइए। दरअसल ना गलती वरुण की ही, वो ही आपको कभी समझ नहीं पाए। अब तक वो बाहर आपके लिए हम सबसे लड़ रहे हैं, आप ना उनको समझ पाई ना ही उनकी भावनाओं को। श्रद्धा ने बहुत देर कर दी आपको थप्पड़ मारने में, अगर किसी ने पहले ही मारा होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कीर्ति को अचानक क्या हो गया है? बचपन से ही वो ज्यादा बोलती थी, जो मन में होता था ना हमेशा मुंह पे बोल देती थी, पर आज उसे क्या हो गया था? इतनी बदतमीज, इतनी मुंहपट कैसे बन गई वो? उसका ये रूप मैंने आज पहली बार देखा, क्या हो गया उसे? क्या करूं, रुमाल भी नहीं है मेरे पास, छुरी से। बचपन से ही मेरी हर बात मानती थी, जब भी बदमाशी करती थी मैं
हल्का फुल्का उसे डांट देती थी और उसे समझाती थी और वो समझ भी जाती थी, पर आज आज ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उस पर हाथ उठा दिया, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने आप को ना कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने आप को, मैंने क्या कर दिया। श्रद्धा, श्रद्धा मेरी तरफ देखो तुम, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, कुछ गलत नहीं किया तुमने। कीर्ति को थप्पड़ उसकी बहन ने नहीं, पापा की बेटी ने मारा है। कीर्ति गुस्से में थी, कुछ भी बोल रही थी अपने पापा के बारे में। कोई भी बेटी अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। ना तो मैं भी जान गया तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए क्या है। श्रद्धा, अगर तुम आज कीर्ति को थप्पड़ नहीं मारती ना, तो ना वो रुकती और ना कभी उसे चीज का एहसास होता। हमारे घर वाले हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, पर हमें उस चीज का कभी एहसास नहीं होता है। उल्टा हम तो उन्हें डिमांड के बोझ तले दबा देते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम अपने घर वालों से इतना प्यार करती है, इतनी चिंता तुम्हें उनके बारे में, तो क्यों 10 लाख के बोझ तले उन्हें दबाया? कभी सोचा है तुमने कि शादी में उनका कितना खर्चा हुआ होगा? अरे वो 10 लाख रुपए उन्होंने कैसे अरेंज किए होंगे? बेचारे कितनी टेंशन में होंगे। तुमने ठीक नहीं किया उनके साथ। इतना आसान सा सम तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ध्यान कहाँ तुम्हारा? पापा सही तो कर रहा हूँ मैं, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? आंसर सही तो है ना? कीर्ति की तरह तुम उससे जबान लड़ाओगे? श्रद्धा दीदू, दीदी कैसा है? बढ़िया। अच्छा हुआ आप आ गई दीदी, अभी आप ही मुझे पढ़ाओ। पता नहीं पापा के मुंह को क्या हो गया आज। श्रद्धा बेटा, अचानक इस वक्त घर पर सब ठीक है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। कहीं कीर्ति ने फिर कुछ? कीर्ति को थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बचपन से लेके आज तक उसकी गलतियों को ढकती तो आई हो, और कब तक ढकोगी? श्रद्धा, और कब तक करोगी ऐसा? कैसी हैं आप मम्मी? कैसी हूँ? मैं अच्छी हूँ मम्मी। आप तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना, तुम्हारी बहन की कल की हरकत सुन के हमारा मन लगेगा वहां? एक एक पल भारी पड़ रहा था हमें वहां पर, पर अब सब ठीक है मम्मी। आइए आप यहाँ बैठिए। बबलू, तू अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, मैं थोड़ी देर के बाद तेरा टेस्ट लूंगी। पता नहीं श्रद्धा, हमसे क्या गलती हुई है। बचपन से लेके आज तक उसे समय समय पर टोकते आए हैं। जो हम लोगों ने तुम्हें सिखाया वही उसे भी सिखाया, फिर पता नहीं हमारी परवरिश में कहां कमी रह गई है। मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं?
इसमें ना आप दोनों की कोई गलती है और कीर्ति की भी कोई गलती नहीं है। श्रद्धा, तुम फिर उसे बचाने की कोशिश कर रही हो ना? नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही सोचिए ना, कीर्ति की बिल्कुल अचानक से शादी हो गई, वो इस चीज के लिए तैयार भी नहीं थी। फिर एकदम से उसके ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए, ये सब तो उसके लिए एक झटके जैसा हुआ ना। इन सबको समझने में थोड़ा वक्त तो जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ साथ वो भी सब समझ जाएगी। और बेटा, हमें लगता है कि कोई और बात है जो तुम हमसे करना चाहती हो। क्या बात है बेटा, बताओ। अब पापा, भले ही घर की कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, पापा बचपन से लेके आज तक हमने जो कुछ भी आपसे मांगा, आपने हमारी सारी जरूरतें पूरी की। और मैं जानती हूँ आप इसी वजह से हमारे लिए वो 10 लाख रुपए का चेक लाए थे। पर पापा, यकीन मानिए, हमें उस चेक की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, ये चेक की बात कहां से बीच में आ गई? पापा, अभय को बहुत बुरा लगा जब आप हमें ये चेक देकर गए। वो तो मुझ पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे थे कि मैंने आपसे ये चेक क्यों लिया। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंची है। श्रद्धा, ये तो शादी का तोहफा है तुम्हारे और अभय के लिए, ऐसे कैसे वापस ले सकते हम? मम्मी, तो फिर आप बैंक में फोन करके स्टॉप पेमेंट करवा दीजिए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, चेक देने के बाद स्टॉप पेमेंट करना, नहीं नहीं, मैं दामाद जी से बात करूंगा। हाँ, हम दोनों मिलकर बात करेंगे। ऐसे तोहफा देके वापस लेना, नहीं बेटा ये ठीक बात नहीं है। मम्मी, मैंने कहा ना आपसे, तो प्लीज आप। श्रद्धा, लेकिन तनुजा जी ने खुद तुम्हारे पापा को फोन करके पैसे मांगे थे और अब वापिस क्यों लुटा रहे हैं? पापा इतने प्यार से तुम्हें दे रहे हैं तो मना करके तुम उनका दिल तोड़ दो। बेटा ले अब। ये आप क्या कह रही हैं? मम्मी जी ने आपको फोन किया था, पर अभय जी के समझाने के बाद वो तो मान गई थी। बेटा ये बात तुम अपने तक ही रखना, पहले ही घर में इतना सारा कोहराम मचा हुआ है, इस बात से तो और बात बिगड़ जाएगी। पता है इन सब में एक अच्छी बात क्या हुई? बेटा तुम्हारी शादी के बाद हम लोग खुद को दोषी मान रहे थे कि अभय तुम्हारे लायक नहीं है और तुम उस घर में खुश हो या नहीं। उस वक्त अभय जी ना कोई जिम्मेदारी लेना जानते थे, ना ही उनके पास कोई नौकरी थी। अब तुम में और अभय जी में ये बदलाव देखकर मन को सुकून मिलता है बेटा। सच में भगवान ने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। हमारी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। वरना बेटा पैसा किसे बुरा लगता है, लेकिन अभय की खुददारी ने हमारा दिल जीत लिया। एकदम मेरे दिल की बात कह दी तुम्हारे पापा ने। एक मां बाप को उसकी बेटी के लिए और क्या चाहिए भला। Thank you.
वैल्यू नहीं है वरुण जी। जब मौका मिला था आपको अपना प्यार साबित करने का, तब तो आप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, बेइज्जती देख रहे थे आप हमारी। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता, जब तुम चली गई थी ना, तो मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने क्यों तुम्हारी बात नहीं सुनी, क्यों तुम्हारी परेशानी को सीरियसली नहीं ली। I'm so sorry, sweet. I'm so sorry. Sweetu babu, I'm really so sorry. तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं हूँ यार। नहीं जी, सब हमें सुना रहे थे, हम पे इल्जाम लगा रहे थे, हमारी बेइज्जती कर रहे थे, तब आप बहुत चुपचाप खड़े थे, तो आज ये सॉरी का नाटक क्यों? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है, जब तुम चली गई थी बिना किसी को बताए तो मेरा क्या हाल हो गया था? तुम्हें फोन पे फोन किया जा रहा था, लेकिन ना ही तुम मेरा फोन उठा रही थी, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही थी। तुम क्यों देती आपके मैसेज का जवाब? क्यों उठाते हम आपका फोन? तुम नहीं मिल रही थी ना, जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिमाग। तुम ठीक तो होगी, सेफ तो होगी ना, कहीं गुस्से में तुम मुझे उसे छोड़ के तो नहीं चली गई? आप भी हम पे इल्जाम लगा रहे, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? आज हम सबके लिए विलन है, यहाँ तक कि अपने पापा और अपनी बहन के लिए भी। पर आपने क्यों नहीं कहा कुछ? दीदू ने तो हमें थप्पड़ भी मारा, कोई हमें समझना नहीं चाहता, सबके लिए बस कीर्ति गलत है। कीर्ति, मेरी मेरी बात तो सुनो, I promise कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। I'm really sorry कि अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो, लेकिन लेकिन आज के बाद तुम्हारी हर परेशानी मेरी परेशानी होगी। तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कीर्ति, वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आप हमेशा हमसे वादा करते वरुण जी, पर कीर्ति, आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, कभी हर्ट नहीं करूंगा। I'm really sorry। वो खाली पेट हम भी ऐसे बकबक किए जा रहे हैं। सॉरी, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब हम साथ में बैठ कर खाएंगे। मैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ओके? वरुण जी, वो ना, आप हमारे लिए कॉफी जरूर लाइएगा, हमारा कितना भी मूड खराब हो, अगर हम कॉफी पी लेते हैं ना तो सब ठीक हो जाता है। ठीक है, लेके आता। ओहो, एक खरबूजे को देखकर कहीं दूसरे खरबूजे का रंग बदलना तो शुरू नहीं हो गया भाभी? हमारा मतलब है कि भाभी, आप ये सब्जी क्यों काट रही हैं? आपकी होनहार समझदार बहू श्रद्धा पर कहीं कीर्ति का रंग तो नहीं चढ़ने लगा है? हम तो पहले से ही बोल रहे थे, चार दिन की चांदनी है, फिर आपके लिए अंधेरी रात ही है समझो। ऋतु, लगता है आपको आग में घी डालने में बहुत मजा आता है ना? पर यहाँ कोई आग नहीं लगी है, ठीक है? भाभी, आप ना हमेशा हमें सिर्फ गलती समझो। भाभी, हम तो यहाँ पे आपका दुख दर्द बांटने चले आए। अच्छा, तो ऐसा है ना कि नैना भाभी को आपकी ज्यादा जरूरत है, तो आप उन्हें ही संभालिए, हम अपनी बहू को देख लेंगे। लीजिए भाभी, आपकी बहू आ गई, संभालिए इसे, हम जाकर नैना भाभी की बहू को संभालते हैं। बेचारी को कितना जोर का थप्पड़ पड़ा है, जाकर जरा देखते हैं वहां क्या हाल माहौल है, चलते हैं हम।
मम्मी जी, वो आज सुबह इतना सब कुछ हुआ ना, जिसके कारण पापा बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, तो इसीलिए उनसे मिलने गई थी। दूसरों के घरों के कामों और मामलों में घुसने के बजाय तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपने घर की जिम्मेदारियों को देखो। कल तुमने काम नहीं किया क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे अभय को तुमने बहला कर फुसला कर बाहर से खाना मंगा लिया, और आज जब तुम्हें काम करना था तो तुम मायके चली गई। अरे तुम्हें क्या लगा कि मम्मी जी तो घर पे हैं ही, सब काम तो वो कर ही लेंगी। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, वो मैंने सोचा कि। अरे तुम तो सोचो ही मत, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि कहीं तुम आदर्श बहू बनने का ढोंग तो नहीं कर रही हो, क्योंकि बहन तो तुम कीर्ति की हो। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये सब मुझे दीजिए ना, मैं भी तुरंत जाकर खाना बना देती हूँ। ऐसा ना ही हो तो बेहतर होगा, क्योंकि नैना भाभी जैसा धैर्य हम में नहीं है, समझी तुम। ये लीजिए आपकी स्पेशल कॉफी। नॉट बैड वरुण जी, वेरी इंप्रेस्ड। कीर्ति, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज तुम्हें पास देखकर मैं कितना खुश हूं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अब देखो हम साथ हैं और साथ बैठकर खाएंगे, है ना? हाँ, हमें तो बहुत भूख लगी है। अरे मुझे भी, मैंने भी सुबह से एक दाना नहीं खाया। अच्छी है ये दिल वाली कॉफी, तो हमारी फेवरेट है। चलो मैं खाना लगा देता हूँ। बहुत भूख लगी है। ये तो वही गुंडा है जिसे मैंने श्रद्धा को रोकने के लिए पैसे दिए थे, ये क्यों फोन कर रहा है? वरुण जी, फोन बज रहा है, उठाइए ना, किसका कॉल है ये? आपकी शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बजे, जैसे किसी गुंडे ने कॉल कर दिया हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेलो, अभी भी बुखार है तुम्हें, पर आराम करने के बजाय यहाँ काम कर रही है। पहले दवाई लो। काम छोड़ो, खाना बाहर से आ जाए। मैं खाना बनाना मैनेज कर लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, दोनों मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। श्रद्धा रुको रुको, मैं करता हूँ। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।